हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 160 cc सेगमेंट में 3 स्ट्रीट बाइकों को। दोस्तों, इन तीनों बाइकों की आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो साथ ही बताना चाहूँगा, ये तीनों बाइक इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है और साथ ही इन तीनों बाइकों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही इन बाइकों का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है बजाज पल्सर NS 160 cc। दोस्तों, यह बाइक काफ़ी अच्छी बाइक है। दोस्तों, इसका लुक आप देख रहे होगे वीडियो में काफ़ी बेस्ट है और साथ ही 160 cc में बहुत ही अच्छी बाइक है। 3 कलरों में आपको मिल जाएगी, रेड, वाइट और ग्रे कलर में। दोस्तों, इसकी एक शोरूम प्राइस 1,13,117 रुपये है और साथ ही इसकी ऑन रोड प्राइस 1,35,400 रुपये है। दोस्तों, बात की जाए अगर इस बाइक की इंजन कैपेसिटी की, इसके अंदर आपको 160 cc का इंजन आपको मिल जाएगा। साथ ही 42 का एवरेज देती है और 5 इसके अंदर आपको गेयरबॉक्स मिल जाएंगे मैनुअल। साथ ही इसका जो वेट है ये 151 kg के समथिंग आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बजाज पल्सर NS 160 एक स्ट्रीट बाइक है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस 1,32,000 के समथिंग है जियो ऑन रोड प्राइस है। साथ ही इसके अंदर आपको एक वेरियंट मिलता है जिसमें 3 कलर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए इस बाइक के पावर की तो 17.03 bhp का यहाँ पावर जनरेट करता है। साथ ही 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, इस बाइक का जो फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर की है। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS सिस्टम भी मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं सेकेंड नंबर की बाइक की। तो सेकेंड नंबर पर हमने रखा है TVS की तरफ से आने वाली अपाची 164V BS6। दोस्तों, ये बाइक रेड, ब्लैक और ब्लू 3 कलर में आपको मार्केट में मिलेगी। तो साथ ही बताना चाहूँगा, ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। दोस्तों, इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,11,000 के समथिंग आपको मार्केट में मिल जाएगी है और इसकी ऑन रोड जो प्राइस है वो 1,35,400 के समथिंग आपको मिल जाएगी। दोस्तों, बात करने चाहें अगर इसकी इंजन कैपेसिटी की तो 159 cc का इसके अंदर आपको इंजन मिल जाएगा। 45 का यह एवरेज देती है और 5 इसके अंदर गियरबॉक्स मिल जाएंगे आपको। 147 kg का वेट है। दोस्तों, ये बाइक काफ़ी अच्छी है और साथ ही इसके अंदर जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर इसकी बात करें हम तो इसके अंदर सिंगल चैनल ABS सिस्टम आपको मिल जाएगा और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो 15.6 bhp का पावर जनरेट करती है। साथ ही 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो 12 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। साथ ही इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS सिस्टम भी मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ बाइक 2 वेरियंट में आती है, डिस्क और ड्रम। तो नंबर 1 पर हमने रखा है यामा की तरफ से आने वाली MT-15 को। दोस्तों, यहाँ बाइक लुक वाइज काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, स्ट्रीट बाइकों में अगर बात की जाए 160 cc सेगमेंट में, दोस्तों ये बाइक सबसे अच्छी दिखने वाली बाइक है। दोस्तों, इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसकी सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों, कलर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 4 कलर मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करें इस बाइक की अगर तो ये 160 cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली बाइक है। दोस्तों, इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 1,41,960 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। दोस्तों, साथ ही बात करना चाहिए तो इसकी ऑन रोड प्राइस की तो 1,66,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। दोस्तों, इसकी इंजन कैपेसिटी की बात की जाए तो 155 cc का इसके अंदर आपको इंजन मिल जाएगा। साथ ही 45 का यह गाड़ी एवरेज देती है और 6 इसके अंदर स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएंगे और 138 kg इसका वेट है। दोस्तों, अगर इस बाइक के पावर की अगर बात की जाए तो 18.2 bhp का पावर जनरेट करता है। साथ ही 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी नई नई जानकारी से जुड़े हुए वीडियो।